मेरी जाती राय है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।